अरे सुनो, परसों मेरे बॉस परिवार के साथ हमारे घर खाना खाएंगे। क्यों जी, उनके घर में अकाल पड़ गया क्या? अरे मैंने उनको इनवाइट किया है, प्रमोशन के लिए बॉस को थोड़ा मक्खन लगाना पड़ेगा ना। मक्खन की जगह थोड़ा तेल लगा दिया तो चलेगा ना? अरे मालिश नहीं करनी है, बस तुम तो खाने पे ध्यान दो बस। खाना तो मैं खा चुकी हूँ, तो फिर किस पे ध्यान दूँ? अरे उस दिन क्या बनाना है ये तय करो। उस दिन? किस दिन? अरे जिस दिन मेरे बॉस हमारे घर खाना खाने आएंगे। तो फिर ऑफिस के बॉस हमारे घर आएंगे तो फिर ऑफिस कौन जाएगा? अरे वो रात को आएंगे यार। क्यों, दिन में आने में शर्म आती है? ए मेरा मतलब छोड़ो, ये बताओ मीठे में क्या बनाओगी? मीठे में तो मिठाई रखना पड़ेगा, नमकीन रख दिया तो उसे मीठा कौन कहेगा? अरे मेरे कहने का मतलब खीर बनाओगी या हलवा? खीर के लिए तो चावल खत्म है और दूध भी लाना पड़ेगा, साथ में ड्राई फ्रूट भी खत्म हो गए। तो फिर बच्चा क्या? बच्चे का क्या? अरे बच्चा नहीं, टॉपिक चेंज मत करो, कल तक तय कर लो बस। वो तो ठीक है, लेकिन आज क्या करूं? मेरा सर। सर तो मेरा भी है, मैं क्या करूं? अरे हे देवी, मैं बॉस को खाने के लिए मना कर देता हूँ। बॉस क्या तुम्हारे कहने से खाना छोड़ देंगे? अरे मैं निमंत्रण कैंसिल कर रहा हूँ। ये निमंत्रण कौन है? अरे निमंत्रण मतलब, चलो जाने दो यार। जाने दो, पहले उनको आने तो दो। मैंने कहा बात बंद करो। पर तुम्हारे बॉस से तो मेरी बात शुरू ही नहीं हुई, तो खत्म कैसे करूं? बस बस नहीं। अजी सुनते हो, बॉस अगर हमारे घर पे खाना खाने नहीं आ रहे तो हम उनके घर पे खाना खाने जा सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हंसते रहिए, हंसाते रहिए। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।